एक फरवरी को पेश हो रहे आम बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। खासकर मध्यम वर्गीय व निम्न वर्गीय लोग टैक्स में छूट व महंगाई से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं युवा वर्ग को उम्मीद है कि सरकार ऐसी योजनाएं तैयार करे जिससे रोजगार के अवसर पैदा हों, ताकि दिनों दिन बढ़ती जा रही बेरोजगारी को कम किया जा सके। व्यापारी वर्ग भी GST की परेशानी से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने की उम्मीद भी लोगों को है। बजट से जो है आम जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और हम ये चाहते हैं कि मध्यम वर्ग को और विशेषकर जो है नौकरी पेशा लोगों को अगर आयकर स्लैब में परिवर्तन हो जाए, आयकर स्लैब में बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को इसमें फ़ायदा मिल सके, और जिससे उनके हाथ में जो है पैसा ज़्यादा आएगा और ज़्यादा उनके खर्च जो है मार्केट में वो ज़्यादा खर्च कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो है ATC जो ATC की अभी लिमिट है, ATC की लिमिट में बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि अल्प बचत को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा स्वास्थ्य एक ऐसा पहलू है जिसमें सरकार को अधिक खर्च करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अगर सरकार अधिक बजट आवंटित करेगी तो इसका फायदा आम जनता को मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त सरकार को चाहिए कि स्वास्थ्य में जो ATD की लिमिट है उसमें भी बढ़ोतरी हो ताकि स्वास्थ्य बीमा का लाभ लोग ले सकें, क्योंकि हमारे वहाँ जो है द्रोह स्थितियाँ इस तरह की हैं कि हमारे पास जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक अच्छे अस्पताल नहीं हैं। अगर स्वास्थ्य बीमा हम लेंगे तो हम जो है अच्छे अस्पतालों का लाभ इसमें ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और किसानों के लिए जो है अधिक बजट आवंटित करें, क्योंकि जो है रोजगार की समस्या यहाँ पर है और किसानी जो है मुख्य रोजगार यहाँ पर है। इसके अतिरिक्त एक विशेष मांग हमें जो है एक विशेष मांग सरकार के सामने हम अपने लोगों की तरफ से रखना चाहेंगे। कृषि के लिए बंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, तो अगर इसके लिए भी बंदर बाणों के लिए और बंदरों की संख्या को सीमित करने के लिए अगर इसमें बजट आवंटित हो सके तो किसानों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बजट जो सरकार द्वारा पेश किया जाना है, उस बजट में हमें लगता है कि सर्वप्रथम तो जो है जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनको लाभ मिला ऐसा वो बजट हो। मतलब जैसे पेट्रोल के और डीजल के और जो ये राशन में ये महंगाई हो रही है ये कम हो, ऐसा प्रावधान उस बजट के अंदर हो जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ मिल सके। दूसरी बात यह है कि बजट ऐसा होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलें और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, ऐसे उसमें जो है ऐसा बजट में धन आवंटित होना चाहिए अलग से कि जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी हो और वहाँ रोजगार भी मिल सके। और जो यहाँ पर हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं वो GST के जो नियम हैं उसमें कुछ ऐसा सरलीकरण हो कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको जो असुविधाएं हो रही हैं वो असुविधाएं ना हो, ऐसा एक प्रावधान इस बजट में होना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिल सके। तो ऐसे उनके नियमों में भी सरलीकरण हो जिससे गरीब जो छोटे व्यापारी हैं उनको लाभ मिल सके। इसके लिए आर्थिक जो है हमारी वो होनी चाहिए, और दूसरा ये बिजली पानी का जो हो रहा है उसको भी ज़रा रेट कम होना चाहिए। अच्छा मतलब बजट आए, हमारे जो है मोदी जी हैं या हमारे ये हैं शासन है, ये अपने राज्य है, हमारा राज्य थोड़ा उत्तराखंड में वो होना चाहिए। विकास तो हो रहा है, विकास के लिए हम नहीं कर रहे, नहीं हो रहा है, तो अच्छा बजट आना चाहिए, आर्थिक उसमें होना चाहिए। GST में जो 3 स्लैब रखे हैं सरकार ने, 12%, 18%, इनको सबको 5% के दायरे में लाया जाए। दूसरा, जो हमारे GST वालों को हर महीने रिटर्न भरना पड़ता है उस रिटर्न को 3 महीने में एक बार किया जाए जैसे समाधान योजना में होता है। तीसरा, हमारा ये कहना है कि 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे कि जो घोषणा सरकार ने की है वो हमारे प्रदेश में अभी तक लागू नहीं हो पाई, हम पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, उसको तुरंत लागू किया जाए। और जो हमारे बेरोजगार हैं उनके लिए सरकार द्वारा कोई भत्ता दिया जाए जिससे कि बेरोजगारी भी कम हो। और सरकार के से हम यह उम्मीद करते हैं कि इस बजट में महंगाई पर भी अंकुश लगे। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।